अब आला हजरत का वो शेर मुलाजिदा करो। आला हजरत फरमाते हैं उस औरते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, रब के हुजूर में हम हाजिर होंगे, आप हाजिर होंगे, फरिश्ते कहेंगे ऐ मेरे मौला ये तो गुनाहगार है, ऐ मेरे मौला ये तो खताकार है, ऐ मेरे मौला ये तो सियाहकार है, ऐ मेरे मौला ये तो बदकार है, रब के हुजूर में हम हाजिर है, हमारे गुनाहों के चेपते खुर रहे हैं, उधर जहन्नम भड़क रहा है, रब की मशक जलाल में है, वही मुस्तफा आ गए, दामन में गुनाहगार उम्मतों को छिपा लेते, कहते हैं मेरे मौला माना के गुनाहगार है मगर है तो मेरा, माना के गुनाहगार है मगर है तो मेरा, माना के सियाहकार है मगर है तो मेरा, माना के बदकार है तो मेरा, मुस्तफा अपने उम्मत को दामने रहमत में छिपाएंगे, वहां रब की मशक्कत को जो जला रहा था वो जलाल जहन्नम में बदल जाएगा, वो कहेगा रब ऐ मेरे महबूब जो तेरा है वही मेरा है, जो तेरा है वही मेरा है। आला हजरत फरमाते हैं उस ने दी है खुदा ने मने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छिपाते जाएंगे, जुर्म खुल रहा है और मुस्तफा छिपा रहा है, छिपा रहा है। बताओ जो नबी महशर में काम आए क्या उसकी मोहब्बत हमारे सीने में नहीं होनी चाहिए? बोलिए ना, होनी चाहिए ना। तो नबी का आशिक बेनमाजी नहीं होता है, नबी का आशिक बेनमाजी नहीं होता है। और आप कहोगे कैसे, तो मैं बताना चाहूंगा वैसे कि करबला की तारीख याद करो। हुसैन नबी के आशिक हैं, बेटे की लाश, भांजे की लाश, भतीजे की लाश पड़ी है, मगर हुसैन का सर रब के हुजूर में, रब के हुजूर में मेरे मेरी जो जिंदगी मिली है वावारगी के लिए नहीं, तेरी बंदगी के लिए मिली है। सुभान अल्लाह, तेरी बंदगी के लिए मिली है। इसलिए अंधे आप जब कमरा खोलेंगे, घर का कमरा खोलेंगे और घर अंधेरा मिलेगा तो वह अंधेरे को कोसेंगे, गाली देंगे तो बताइए उजाला होगा, उजाला होगा। बंद कोठरी में अगर उजाला आना है तो बगैर अंधेरे को गाली दिए, बुरा भला कहे हुए आप वहां चराग जला दे तो उजाला हो जाएगा। वैसे ही मैं आपको जितना कोसूं कि आप बेनमाज़ी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके दिल में इसकी रिसालत का चराग जला दे इंशाल्लाह आपका आज ही से रब के हुजूर में सर झुक जाएगा। सुभान अल्लाह। मैंने जिन्नात इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। एक शख्स का एक बेटा बीमार पड़ गया, एक शख्स का एक बेटा बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपया लगेंगे इलाज के, 10 लाख रुपया लगेंगे। 10 लाख मजदूर इंसान को 10 लाख कह दिया जाए तो कयामत आने से पहले उसमें कयामत आ जाएगी। डॉक्टर तो कहता मेरे बेटे की जिंदगी बचाओ, 10 लाख 10 करोड़ रुपया मांगूंगा तो मैं दूंगा। ये ममता, ये प्यार, ये मोहब्बत कहीं मिल सकता है तो सीना सीना बाप का है, वो प्यार कहीं आपको मिल सकता है तो वो ममता सिर्फ माँ की है। माँ कहती अपने डॉक्टर से मेरे बेटे की जिंदगी बचाओ, 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी मैं हूं ना, दूसरों के घर की बर्तन साफ करूंगी, दूसरे के घर की दहलीज के दरवाजे को साफ करूंगी, मगर मेरे बेटे की जिंदगी को डॉक्टर बचाओ, 10 लाख रुपया मैं 10 दिन में इंतजाम करती हूँ। लौट घर, अपने रिश्तेदार वालों से कहा बेटे की जिंदगी खतरे में है, जिंदगी और मौत के दरवाजे पे खड़े हैं, कोई है मेरा भाई जो मुझे 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, जिंदगी भर उसका एहसान मेरे सर पर रहेगा। मोहल्ले वालों ने चंदा किया और चंदा करके ढिठोरा पीटा के फलक के साथ हमने एहसान किया, 10-12 हजार रुपए चंदा किए
और गली गली ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मैंने एहसान किया। वो खातून 10,000 रुपए को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, साइन किया अगर डॉक्टर के हाथ में दिया कहा डॉक्टर साहब आप घबराओ ना, 10 दिन का वक्त है, मैं 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगी, मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। अब जरा सोचो वो माँ हॉस्पिटल में बैठी है, इसी यासना में एक शख्स आया, कहता कि मेरी बहन लगता कि तुम परेशान हो, परेशानी की वजह यह है कि मेरी मेरा बेटा जिंदगी और मौत के दरवाजे पे खड़ा है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, जगह जगह दरवाजे पे मैंने हाथ फैलाई कोई देने को तैयार नहीं। वो शख्स कहता है बहन घबराती क्यों, मैं हूं ना, कि ये सुभान अल्लाह, घबराती क्यों हो, मैं हूं ना, अगर 10 करोड़ की जरूरत पड़े तो मैं हूं, गादे डॉक्टर के इलाज करे, दवा में कोई कमी ना रखे। अब वो 10 लाख रुपया निकाल कर उस बहन के हाथ में देता है और देना ही था कि उसकी जुबान से जो दिल से आवाज निकलती है, जरा मुलाहिदा करो, कहा मेरे भाई जो तुम पर एहसान, मुझ पर जो तुमने एहसान किया, इस एहसान का कोई दूसरा बदलाना होगा, इस एहसान को फरामोश ना किया जाएगा, इस बहन को तुम जब भी आवाज़ोगे रात सन्नाटे में, ये बहन तेरे घर में हाजिर होगी, जब जब जहां जरूरत पड़े मुझे आवाज़ दे देना। अब 10 लाख रुपया उसने दिया, बेटा ठीक हुआ, घर आया। अब जब वो 10 लाख रुपया देने वाले इंसान, सर्द का मौसम है, बारिश हो रही है, 12 बजे रात के 12 बज चुके हैं, उसके इलाके में आया, फोन करता है, मेरी बहन मुझे जाना था कहीं दूसरी जगह, मगर मैं तेरे इलाके में फंस गया, रात हो गई है, भूख भी लगी है, क्या रात में 2 रोटी बना सकती है। बहन ने कहा मेरे भाई इतना बड़ा एहसान और 2 रोटी की बात, पूरी मेरी जिंदगी तेरे लिए, जरा सोचो, जरा सोचो, 10 लाख रुपए का एहसान उसकी जिंदगी पर ऐसा हावी हो गया। पुकार के कहती है मेरे भाई ये तो एक दिन की बात है, जब जब आवाज दोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी, जब जब पुकारोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। वो बहन ही कैसी बहन है, एक भाई जब मुसीबत में काम आए तो बहन का भी फरीजा है कि भाई के मुसीबत में बहन काम आए। जरा सोचो कि 10 लाख रुपए का एहसान उसकी जिंदगी पर ऐसा हावी हो गया। वो जब बोला रहा है तब जा रही है, सुबह बोला रहा है सुबह जा रही है, शाम बोला रहा है शाम में जा रही है, रात को बोला रहा है रात को जा रही है। मैंने कहा ओ मेरी बहन इसके आगे पीछे क्यों, बहन ने जवाब दिया अरे कैसे ना जाऊं, इसका एहसान है मुझ पर, एहसान है मुझ पर। मैंने कहा क्या एहसान है, कहा जिंदगी मेरे बेटे की बचाई है, जिंदगी मेरे बेटे की बचाई है। जरा सोचो कि एक बचाने वाले जिंदगी बचाने वाला, जिंदगी बचाने वाला एक आदमी का एहसान जब इतना बड़ा है हमारी जिंदगी पर, तो जिंदगी देने वाला रब का एहसान कितना बड़ा होगा, रब का एहसान कितना बड़ा होगा। फिर ये है कि हम आप गफलत में हैं, फजर की अजान है बिस्तर में है, जोहर की अजान है बाजारों में है, असर की है बजारों में है, मगरिब की अजान है मोबाइल में है, ऐशा की अजान है दोस्तों में है। जरा सोचो एक 10 लाख रुपया का एहसान करने वाला जब बुला रहा है तब जा रहे हैं, रब तो जिंदगी देने वाला है, रब तो आंखें देने वाला है, रब तो जुबान देने वाला है, रब तो पैर देने वाला है, रब तो हाथ देने वाला है, रब तो सभी बनाने वाला है, रब तो आसमां बनाने वाला है। उसका एहसान कैसे भूल गए, कैसे भूल गए, तो भूल गए तो इसका मतलब यह है कि हम एहसान फरामोश हैं। जो इंसान एहसान फरामोश हो जाता है उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता है। अगर चाहते हो कि एहसान फरामोश ना बने, रब के हुजूर में सजदा कीजिए, रब के हुजूर में सजदा कीजिए। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बाप भी जामे तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना जमशेद साहब क़िबला की समाप्त करनी है, किल्लतुल वक्त का दस्तरखान बहुत छोटा है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो खिताबत होगी। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।